हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की क्लास और आज हम लोग बात करने वाले हैं एफआरबीएम एक्ट के बारे में। मॉर्निंग की दोनों क्लास में मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि आज एफआरबीएम की क्लास के लिए मैं आप लोगों को सेपरेट क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिलहाल जरा देखते हैं एफआरबीएम एक्ट के बारे में। दीज आर सम डिटेल्स, जो लोग भी नए हैं उन लोगों के लिए ये टेलीग्राम की चैनल आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको सारे मटेरियल, सारे नोटिफिकेशन वगैरह यहीं पर आती है। इसके अलावा यू कैन यूज अदर मोड्स ऑल्सो टू कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। इसके अलावा हमारी फेस टू फेस ब्रांच भी चल रही होती है हरिओम नगर गोरखपुर, दैट इज इन उत्तर प्रदेश। इसके अलावा कुछ हमारे अदर कोर्सेज भी हैं जो प्रीलिम्स स्पेशल और मेंस स्पेशल हैं, जिसकी सेपरेट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा आप अपने प्रिपरेशन को और अच्छे से कर सकते हैं, बेटर तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं योर प्रिपरेशन, एंड फॉर दैट यू कैन सब्सक्राइब टेस्ट सीरीज। उसके लिए ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, दैट इज एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम एक्ट को बोला जाता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, और ये एक्ट आया हुआ था 2003 में। थोड़ी कहानी सुनेंगे हम लोग और कुछ डिटेल्स के बारे में यहां पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक मैं कहूंगा हमारे इकोनॉमिक्स का, और इस मोस्ट कॉम्प्लेक्स तरीके को मैं जितना ही सिंपल तरीके हो सकते उतना ही सिंपल तरीके करने की कोशिश करूंगा। जैसे होता क्या है कि 1990 में, स्टार्ट करते हैं हम लोग जरा 1919 से, 1990 में हमारी गल्फ वॉर के कारण से सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। सिचुएशन खराब होने का मतलब यह था कि हम लोग अब इस कगार पे आ चुके थे कि हमारे अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकने की पूरी संभावना थी, क्योंकि हमारे पास अब जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, फॉरेक्स रिजर्व जो थे हमारे पास, वो सारे के सारे खत्म हो गए थे। मतलब हमारे पास अब नेक्स्ट वन वीक के लिए जो ऑयल इंपोर्ट करना है, तेल इंपोर्ट करना है, उस तक के लिए पैसा नहीं बचा था। तो इस वजह से वेरी क्राइसिस सिचुएशन स्टार्ट हो गई थी, और इस क्राइसिस सिचुएशन को और ज्यादा कह लीजिए कि जो वेटेज दे दिया गया गल्फ वॉर के द्वारा। तो गल्फ वॉर की सिचुएशन हो गई, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो चुका था, तो हमारे पास जितनी भी पावर हम लोग जिसको सोच के चलते थे, वो हमारी सारी पावर एक झटके में खत्म हो गई थी। से कहा जाता है ना, झटके में जिंदगी बदल जाती है, वही झटके में जिंदगी बदल चुकी थी इंडिया की। तो अब यहां पर एक बहुत ही ह्यू एंड क्राई मचना शुरू हो गया था, ह्यू एंड क्राई मचनी शुरू हो गई थी। ह्यू एंड क्राई का एक भगवान निकल के आया जिसका नाम था आईएमएफ, और आईएमएफ ने पैसा दिया, आईएमएफ ने हमें लोन दिया, लेकिन लोन के साथ साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी छिपा करके दिया, और इस टर्म्स एंड कंडीशंस ने इंडिया की इकोनॉमी को ओपन कर दिया, इंडिया की इकोनॉमी को क्लोज से ओपन कर दिया, क्लोज से ये ओपन कर दिया, क्लियर हो गया। इस ओपन करने के बाद में हुआ क्या, चूंकि हमारा अभी तक का जो एक्सटर्नल अकाउंट था वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बट नाउ करेंट अकाउंट डेफिसिट अब बहुत ज्यादा हमारा बढ़ गया था। मतलब कि हमारा जो एक्सटर्नल अकाउंट था वो काफी ज्यादा निगेटिव में चला गया, साथ ही साथ हमारा जो इंटरनल अकाउंट था जिसको कि हम लोग फिस्कल डेफिसिट भी बोलते हैं, ये भी काफी ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया था, ये भी काफी ज्यादा निगेटिव हो गया था। एज पार्ट ऑफ रिजल्ट गवर्नमेंट ने देखा कि यार दिस नीड टू मैनेज, इसको बैलेंस करने की जरूरत है, अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो आगे जाकर के हमारी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। मतलब जो इमरजेंसी, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारी अभी तक नहीं लगी है 1990 के दशक में भी, अब वो लगानी पड़ सकती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक फोकस करने की बात कही, कहा कि हमें जो होता है कुछ रेगुलेटरी मेजर्स लेने पड़ेंगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी, हालात मुश्किल हो जाएंगे। तो एक रेगुलेटरी एक्ट के फॉर्मेट में पार्लियामेंट में 2000 में सबसे पहले एफआरबीएम एक्ट जो है वो लेकर के आया गया। हालांकि गवर्नमेंट जो होती है, सीधी सी बात है, कोई भी अपनी गलतियों को सामने नहीं लाने देना चाहता है, तो जितनी भी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिस्कल जितने भी मेजर्स थे उनको लगातार टालने की कोशिश की जा रही थी, हमेशा इसको पोस्टपोनमेंट की सिचुएशन में रखा जा रहा था। लेकिन इस पोस्टपोनमेंट का रिजल्ट ये था कि अब कंडीशन, जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी, और साथ में जो हमारी 2003 का दौरान था, इस दौरान में बहुत ज्यादा रिसेशन पीरियड आ गई थी, और इस रिसेशन पीरियड का अगेन इफेक्ट हमें देखना मिल गया था। इस कारण से फिस्कल को, इस मतलब एफआरबीएम को, एक्ट को लेकर के आना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो एक आइडिया लग गया होगा आपको कि बेसिकली क्या चीज होने वाली है। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। इट इज अ मैकेनिज्म टू कंट्रोल फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर लिया कि ये बेसिकली फिस्कल पॉलिसी को फोकस करता है, फिस्कल पॉलिसी को, क्लियर क्या चीज है फिस्कल पॉलिसी को। इन 2000 अ कमिटी ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन वॉज अपॉइंटेड टू लुक इन टू द डेफिसिट। बजट 2000-2001 अनाउंस्ड इंटेंशन
टू ब्रिंग फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट एंड एफआरपीएम एक्ट टेबल्ड इनटू पार्लियामेंट। लेकिन फाइनली जो होती है इसमें मतलब कुछ जो भी प्रोविजंस वगैरह बनाए गए थे उस प्रोविजन पे सहमति नहीं बनी और अल्टीमेटली जो लोग पॉलिटी पढ़े होंगे उन लोगों को पता होगा कि ये स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया था और स्टैंडिंग कमेटी ने काफी मतलब यहाँ पर रिकमेंडेशन कई सारे चेंजेस करने के बाद 2003 में अल्टीमेटली ये पास हो पाया और पास होने के बाद ये निकल के आया एफआरबीएम एक्ट 2003। अगर इसके कुछ प्रोविजंस के बारे में बात करें तो फीचर ऑफ द बिल में अगर देखें तो देखिए सबसे पहले सीन ये था कि रिवेन्यू डेफिसिट को हमें 0.5 मतलब पर ईयर 0.5 से कम करना था ताकि ये इलिमिनेट हो जाए 2009 तक जाते जाते। क्लियर है? अभी हम लोग देखेंगे भी उस समय की कंडीशन क्या थी, 2003 का हम लोग सारा डेटा भी देखेंगे और इनफैक्ट डेटा देखना है तो यू कैन सी दिस डेटा। यहां पर देखिए डेटा है 2003 में जो रिवेन्यू डेफिसिट है वो 3.6 के आसपास है, फिस्कल डेफिसिट 4.5 है और प्राइमरी डेफिसिट अभी फिलहाल में जीरो है। तो यहां पर यही चीज कह रही है कि जो रिवेन्यू डेफिसिट है वो 3.6 है 2003 में, यानी नेक्स्ट फाइव टू सिक्स ईयर्स में इसको लेकर के कितना जाना है, जीरो पे। यानी कि आपको घटाना कितना पड़ेगा, अगर आप 0.5 से हर साल घटाएंगे तो 6 ईयर 3 से घट जाएगा, 3 से मतलब नियर अबाउट 3 से घट जाएगा, 6 टू 7 ईयर्स जब लेंगे तो 3 to 3.5% से घट जाएगा और अल्टीमेटली इट विल रीच आउट टू जीरो। सिमिलरली फिस्कल डेफिसिट के बारे में भी बोला गया था, फिस्कल डेफिसिट को इसको तो जीरो करना है, फिस्कल डेफिसिट को बोला गया कि ये 3.0 पर लेकर के आना है। क्यों फिस्कल डेफिसिट को 3.0 पर लेके आना है, टू मेक हेल्दी कंपटीशन। ठीक है, कभी भी इसको जीरो नहीं किया जाता है, इसको हमेशा नेगेटिव में रखा जाता है, हेल्दी कंपटीशन इससे बना होता है। क्यों होता है बात करेंगे हम लोग अभी। तो फिर यहां पर क्या हुआ कि नियरली 1.5 आपको कम करना है, 5 to 6 ईयर आपके पास बचे हुए हैं तो कितने से कम करेंगे, 0.3 पर ईयर, ये बोला गया इसके द्वारा। अब यहां पर जरा देख लीजिए आप, तो यहां पर क्या है कि रेवेन्यू डेफिसिट टू बी इलिमिनेटेड बाई 2009 एंड मिनिमम कितना 0.5 से आपको कम करने की जरूरत पड़ेगी तब जाकर के ये अल्टीमेटली जीरो हो पाएगा। दूसरा बोला गया कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसको भी 3% पे लेकर के आना, यानी हर साल 0.3% से हमें घटाने की जरूरत है। इसके अलावा डेप्ट, टोटल डेप्ट को भी हमें 6.9% पे लेकर के आना है, जहां पर मतलब टारगेट इंक्रीज ऑफ ओरिजिनल 6% इन 2004-2005 एनुअल रिडक्शन ऑफ 0.1% से हमें घटाने की जरूरत है 2006 में, जैसे क्या है कि 3 साल में हमारी घट करके ताकि 6% से ये 9% से ये 6% पे आ जाए, ऐसा बोला गया। अब इसके लिए करना क्या होगा, बार बार लगातार ये लोग क्या है फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए आरबीआई से पैसा मांग लेते थे, तो इन्होंने मतलब कि एफआरबीएम ने कहा कि आरबीआई से आपको पैसा नहीं लेना है। जैसे अगर मान लीजिए कंट्री में, जैसा कि मॉर्निंग क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि कंट्री के इकोनॉमी में जब पैसा नहीं बचता है तो क्या होता है, हम लोग पापा से पैसे मांग लेते हैं, दिस इज पापा, पापा इज वॉट आरबीआई, आरबीआई से पैसे मांग लेते हैं और इस आरबीआई से पैसे के बदले में हम लोग WMAs वगैरह दे देते हैं, ट्रेजरी बिल वगैरह दे देते हैं। तो इन्होंने कहा कि देखिए ये काम नहीं करना है, ये काम आप तभी करेंगे जब बहुत ही ज्यादा डिजास्ट्रस सिचुएशन आ जाएगी। डिजास्ट्रस का मतलब कि जब एक्चुअल में डिजास्टर आ जाते हैं, जैसे सूखा पड़ गया या साइक्लोन वगैरह आ गया, तो कहीं अगर डिजास्ट्रस फेज आती है तभी ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज आपको आरबीआई से पैसा नहीं लेना। तो यही बोला गया कि परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड बाय आरबीआई मस्ट सीज फ्रॉम 2006 के बाद से हमें आरबीआई को कोई चीज बेचना नहीं है। क्लियर हो गया क्या चीज है? बाकी इसके बाद देखिए ये हमारा डेटा है, डेटा के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब देखिए हुआ क्या कि इट वॉज मैंडेटेड बाय द एक्ट, इसी में बोला गया कि हमें 3 डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने होंगे जब भी हम लोग बजट प्रेजेंट करेंगे। व्हेनेवर वी आर प्रेजेंटिंग अ बजट we have to present 3 more documents, और 3 more documents कौन कौन से हुआ करते थे उस समय के, 1 is macroeconomic framework statement, 2nd 1 medium term fiscal policy statement, 3rd 1 fiscal policy strategy statement। तो 3 document के बारे में बोला गया कि ये present करने की जरूरत है। It was also proposed that 4 fiscal indicators, that is revenue deficit as a percentage of GDP, fiscal deficit as a percentage of GDP, tax revenue as a percentage of GDP, एंड टोटल लाइबिलिटी फाइनेंशियल टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी एज ए परसेंट ऑफ GDP, ये मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट में जोड़ने की जरूरत है। मतलब यही चीज इसमें बताई जाएगी, मतलब रिवेन्यू डेफिसिट हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया, इसके अलावा जो टोटल टैक्स रिवेन्यू हो गया, टैक्स रिवेन्यू, और साथ में हमारा लाइबिलिटीज, ठीक है लाइबिलिटीज, इन सबको, इन 4 चीजों को इंक्लूड करने की जरूरत है इन दिस आवर एक्ट। ठीक है,
लेकिन ये सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट द मेन प्रॉब्लम, एक बड़ी चीज घटित हो गई, और वो घटित हुई थी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008। सब कुछ बढ़िया चल रहा था यहाँ पर, सारे मैनेजमेंट बढ़िया चल रही थी, लेकिन अब ये घटित हो गया फाइनेंशियल क्राइसिस। अब इस फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ क्या कि अब जो हमारा टारगेट था 3.0 का फिस्कल डेफिसिट का और रिवेन्यू डेफिसिट का, जो 0 था टोटल मार करके, ये जो है अब वो एक्सटेंड हो गया। अब सीधी सी बात है, कोई भी गवर्नमेंट तुरंत के तुरंत जो होता है, एक एक्सक्यूज उसको मिल ही गया है कि भाई क्या आ गया है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई है, तो एक एक्सक्यूज मिल गया गवर्नमेंट को। तो एक्सक्यूज मिलने पे गवर्नमेंट तुरंत क्या करेगी, ऑब्वियसली एक नई कमेटी बना देगी, भैया नया टारगेट सेट करो, हम लोग नए टारगेट से नए शेड्यूल तैयार करो, हम नए शेड्यूल से पढ़ाई करेंगे। तो यही नया शेड्यूल बना दिया गया, केलकर कमेटी के अंतर्गत बना दी गई थी चेयरमैनशिप में। केलकर कमेटी जो कि 13 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी थे, इन्होंने एफआरपीएम एक्ट में चेंज लाया और चेंज ला करके ये बन गई एफआरपीएम 2.0। इस एफआरपीएम एक्ट में था क्या, अनदर सिग्निफिकेंट चेंज मेड इन अमेंडमेंट टू एफआरपीएम एक्ट 2012 एंड वाज दैट इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग रिवेन्यू डेफिसिट, अभी तक हम लोग किसको टारगेट कर रहे थे, रिवेन्यू डेफिसिट को हमें जीरो करना था और हम लोगों को फिस्कल डेफिसिट को 3.0 पर लेकर के आना था बाय 2009। ठीक, अब ये रिवीजन किया गया, नाउ इट हैज टू रिवाइज, रिवीजन किया गया क्यों, क्योंकि 2008 में क्राइसिस आ गई है। अब रिवीजन करने के बाद हमारे केलकर साहब बोलते हैं कि देखो ऐसा है, पहली बात तो हम लोग टारगेट ही गलत कर रहे हैं, जो हमारा रिवेन्यू डेफिसिट है हमको इसको नहीं टारगेट करना है, हमको करना है इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट को। अब ये बताइए, इसमें जो भी इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं पिछले साल में, जो भी हम लोगों ने कुकर्म करके रखे हैं, उसको क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, उसको क्यों जीरो कर रहे हैं, हमें बेसिकली करना है जीरो इसको, हमें इसको जीरो करना है, बाकी फिस्कल डेफिसिट को तो हमें अगेन जो होता है 3.0 पर ही लेकर के आना है, ये बोला गया इनके द्वारा। तो इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग रिवेन्यू डेफिसिट, एफआरपीएम एक्ट वुड टारगेट अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, द डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, जो कि हम लोगों ने किया। इन एसेंस दिस प्लेस्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर आउट ऑफ परव्यू ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट, तो इस तरीके से रिवेन्यू डेफिसिट को हम लोगों ने हटा दिया, अब हम लोग फोकस कर रहे थे इन दोनों पे बेसिकली, दिस वॉज द फोकस। ठीक है, फाइनली द डेट फॉर इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट टारगेट वर टू मीट वर एक्सटेंड कर दिया गया, एंड इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट वॉज टू बी इलिमिनेटेड एंड इसको अब जीरो करना है, और फिस्कल डेफिसिट को 3% से नीचे लेके आना है बाई 2015। अब 2015 तक हमें जीरो लेकर के, मतलब कि कम लेकर के आना है। दीज टारगेट जो होते हैं, हालांकि बाद में फिर से मतलब रिवाइज कर दिया गया, और रिवाइज करके ये बोल दिया गया कि नहीं नहीं अब हमको 2018 तक में ये टारगेट अचीव करना है। ठीक है, मतलब कि फिस्कल डेफिसिट को 3.0 और इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट को जीरो तक लेकर के जाना है, ये बढ़ा दिया गया था 2018 तक। लेकिन अगेन जो होता है यहां पर खेल हो गया, और 2016 में अब एक नई कमेटी निकल के आई जिसका नाम था एनके सिंह कमेटी, इसको बनाया गया 2016 में। इन द ईयर 2016 एनके कमेटी वॉज सेट अप बाय गवर्नमेंट टू रिव्यू द एफआरबीएम एक्ट, द टास्क वॉज टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ एफआरबीएम एक्ट जो 2.0 थी एंड सजेस्ट नेसेसरी चेंजेस टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अब यहां पर हमारे एनके सिंह, इन्होंने कहा कि देखो अभी तक तो हम लोग गड़बड़ी करते आ रहे थे, हम लोग अभी जो पहले रिवेन्यू डेफिसिट को कह रहे थे उसके रिवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट की जगह पे हम लोगों ने इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट को लेकर के आए। देखो ऐसा है, ये चीज गलत है, हमको रिवेन्यू डेफिसिट ही लेकर के चलना होगा, हमको फिस्कल डेफिसिट ही लेकर चलना होगा, इसको हमें 3.0 करना है, इसको हमें जितना मिनिमम से मिनिमम हो सकता है उतना हमको लेके आना है, बट हाँ थोड़ा मोड़ा चलेगा, ये दिस इज थोड़ा मोड़ा चलेगा। ठीक है, थोड़ा मोड़ा निगेटिव चलेगा, लेकिन ये चलेगा केवल और केवल सेंटर के केस में, स्टेट के केस में हमेशा ये जीरो होना चाहिए। तो ये इन्होंने बोला कि स्टेट के केस में, इन द केस ऑफ स्टेट इट मस्ट बी जीरो। क्लियर हो गया, अब फिजिकल डेफिसिट को तो 3.0 करना ही है, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो ऐसा एक चीज हम लोग छोड़ रहे हैं, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट, इसको हमें जीरो करके लेके चलना होगा, इसको कभी भी उठने नहीं देना है, ये प्राइमरी डेफिसिट है और इसको जीरो ही करना है। तो ये फोकस किया गया था हमारे एनके सिंह कमेटी के द्वारा। और इसके अलावा भी कुछ और चीजें बोली गई है, जैसे डेप्ट टू जीडीपी रेशियो के बारे में, डेप्ट टू जीडीपी रेशियो, इन्होंने कहा कि देखो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो जो हमारा 68% पे चल रहा है, हमको इसको कम करके लेके आना है 60% तक, दिस हैज टू बी रिड्यूस डाउन 60% बाय 2023 तक हमें इसको घटा करके 60% पे लेकर के आना है। बाकी इसके डिटेलिंग के बारे में भी हम लोग देखते हैं। द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी रेड दैट
गवर्नमेंट मस्ट टारगेट ए फिस्कल डेफिसिट ऑफ 3% ऑफ जीडीपी इन द ईयर 2020। अब इसको 2020 तक हमें 3.0 करके रखना था, अभी तक क्या है 2018 तक तो ये इन्होंने एक्सटेंड कर ही दिया था। अब इसके बाद कहा कि 2020 तक हमें 3.0 करके लेके आना है, सब्सिक्वेंटली 2.8% हमें 2021 और 2.5 मतलब कि आगे 2021 तक हमें इसको और कम कर देना है 2.8% पे, और 2023 तक इसको हमें घटा करके 2.5% पे लेकर के आ जाना है। इसके अलावा डेट टू जीडीपी रेशियो 6.8 है, उसको 60% पर लेकर के चले जाना है, और इसमें से इस 60% में भी सेंटर का जो हिस्सा होगा वो 40% का होगा और 20% का हिस्सा स्टेट का रहेगा, बिकॉज ऑफ डिस्कॉम एंड ऑल दैट बहुत सारी दिक्कतें होती हैं डेट टू जीडीपी रेशियो को लेकर के। क्लियर हुआ क्या चीज है? अब इसके पास से अगर देखेंगे द कमिटी फेवर्स डेट टू जीडीपी रेशियो 60% फॉर जनरल गवर्नमेंट बाय 2023, 40% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 20% स्टेट गवर्नमेंट का, जैसा कि आप लोगों ने अभी डिस्कस किया। विद इन द फ्रेमवर्क द कमिटी हैज रिकमेंडेड अडॉप्टिंग फिस्कल डेफिसिट एज द की ऑपरेशनल टारगेट कंसिस्टेंट विद अचीविंग मीडियम टर्म डेट सीलिंग। 3% जो होता है जीडीपी को बोला गया था और धीरे धीरे कम करके लेके आना है। रिवेन्यू डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो इसको जो है डिक्लाइन करना है, कम करना है 0.25% से हर साल में, और मतलब कम करके 0.8% तक लेकर के आना है 2023 तक। मतलब वही है कि रिवेन्यू डेफिसिट जो होती है पूरी तरीके से जीरो हम नहीं करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा मोड़ा चलता है वाला केस में लेकर के आएंगे, थोड़ा मोड़ा चलता है ठीक है इस वाले केस में लेकर के आएंगे। लेकिन फिर अगेन जो है अगेन क्राइसिस सिचुएशन अगेन जो होता है स्लो डाउन इन इकोनॉमी देखने को मिला, स्लो डाउन इन इकोनॉमी, और इनफैक्ट इस बार के बजट में, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में मैंने डिस्कस किया हुआ है, मैंने बताया है कि इस बार का जो टैक्स कलेक्शन है वो कुछ खास हो नहीं पाया है। हमारे वित्त मंत्री के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कहा गया टैक्स कलेक्शन कुछ ज्यादा हो के नहीं आया है, इसलिए वी नीड टू रिवाइज द एफआरबीएम एक्ट अगेन। हम लोगों ने एफआरबीएम एक्ट को अगेन रिवाइज किया, बाकी बहुत सारे चेंजेस किए गए, जैसे BS4 से हम लोग BS6 पे चले गए हैं तो इस वजह से भी स्लो डाउन देखने को मिला है, जीएसटी नॉर्म में चेंजेस किए गए हैं, तो मेनी मोर चेंजेस हैव बीन डन इनटू द इकॉनमी एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू रिवाइज द एफआरबीएम एक्ट अगेन। और इसी वजह से जो इंटरिम बजट है इस बार का फॉर द फाइनेंशियल ईयर वॉज प्रेजेंटेड इन 2019, हम लोगों ने इसको पहले भी कर लिया था, प्रीपोन कर लिया था पार्लियामेंट में, और इसके हिसाब से कुछ चीजें भी इंक्लूड कर दी गई, जैसे फिस्कल डेफिसिट जो 3.4% पे चल रहा था 2019 में, टोटल एक्सपेंडिचर रेज राइज बाई 13.3%, इसके अलावा 30.6% से वेलफेयर ऑफ एसटी के लिए लगा दिया गया, एसटी के लिए 28% लगा दिया गया, तो ये सब चीजें जो होती हैं वो एस्टिमेट्स हैं जो काम किए गए थे, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट। 2018-19 में हम लोगों ने इसको एस्टिमेट किया 3.4 और ये भी इस बार भी आया 3.4, और इसको हम लोगों ने बोला है कि आगे हम लोग इसको 3.0 करेंगे, 2021-22 तक हम इसको जीरो कर लेंगे। इसको करने के लिए हम लोगों ने अलग अलग वही 3.4 से 3.3 लेकर के जाएंगे और 3.3 से हम लोग 3.0 लेकर के आ जाएंगे। सिमिलरली रिवेन्यू डेफिसिट के लिए हम लोगों ने बोला है कि 2.2 से हम लोग इसको लेकर के जाएंगे 1.5 पे। सिमिलरली प्राइवेट जो प्राइमरी डेफिसिट है 0.2 है, इसको हम लोग लेकर जाएंगे 0 पे, और इस तरीके से चीजें हो जाएंगी हमारी। तो दिस इज ऑल थिंग अबाउट दिस एफआरबीएम एक्ट, काफी डिटेल में हम लोगों ने देखा, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। बाकी अगर कोई क्वेश्चन होता है तो नीचे टेलीग्राम बॉक्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे ही एक लिंक दी हुई है जिसके थ्रू आप मटेरियल को भी, इन सारे पीपीटीज को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।